किसानों और नौजवानों का भयंकर विरोध है और वसुंधरा जी खुद जानती हैं कि जवाब दिए बनता नहीं तो फिर आंकड़ों के दम पर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यात्रा का नाम होना चाहिए जवाबदेही यात्रा और वहाँ पर बजाय भाजपा के कार्यकर्ताओं से तालियां बजवाने की जगह उन्हें संवाद करना चाहिए आम जनता से, आम लोगों से, नौजवानों से, किसानों से, छोटे दुकानदारों से पूछना चाहिए और सवालों के जवाब देने चाहिए। चार साल तक जनता से अपने आप को दूर रखने वाले आज अचानक जनता के बीच जा रहे हैं वोट लेने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिर्फ अपने सत्ता का दुरुपयोग कर पैसा खर्च कर अपना टाइम निकालने की बात कर रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि राजस्थानी जनता इस यात्रा को सकारात्मक तरीके से देखेगी। हाँ, चुनाव लड़ना है तो बीजेपी के विधायक और मंत्री अपनी ताकत लगाएंगे, लेकिन जो छवि प्रदेश में राजस्थान सरकार की बनी है उसका जवाब तो वसुंधरा जी को देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये यात्रा का जो वो चालू कर रहे हैं, मेरे ख्याल 4 तारीख से चालू करना चाह रहे हैं, वो 4 साल तक जो घोषणाएं अब करने जा रहे हैं, अगर ये घोषणाएं 4 साल पहले हो जाती तो हो सकता है कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन होकर उनका काम हो सकता था। अभी इस पूरे जो संसाधन लगाकर, पूरी ताकत लगाकर अपने आपस के झगड़े मतभेदों को छिपाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका बहुत ज़्यादा लाभ जनता के बीच होगा नहीं। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी चाहती है और जिम्मेदारी फिक्स करने की बात करें तो बीजेपी अपना पल्ला झाड़ देती है। मैं मानता हूँ कि चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है और अंत में जनता को निर्णय करना है कि कौन लोग हमारे बीच रहे। 4 साल तक कांग्रेस के नेताओं ने हमारी पार्टी में एक संवाद बना के रखा, लोगों के दुख सुख में काम आए। जितने किसान आत्महत्या कर चुके हैं किसी एक परिवार के आंसू पोंछने के लिए वसुंधरा जी आज तक नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अलावा किसी आम जनता से मुलाकात कर उनके दुख सुख की भागीदार बनने का काम उन्होंने किया नहीं। और जब लगातार हारे हर उपचुनाव में, विधानसभा, लोकसभा, नगरपालिका, पंचायत समिति, उसके बावजूद जब अपनी दिल्ली के साथ जो उनकी तालमेल थी वो खराब होते देख उन्होंने एक बार प्रधानमंत्री जी को बुला लिया और अब इस यात्रा पे वो जा रही हैं। लेकिन पब्लिक को उनको जवाब देना चाहिए कि मेरे 4.5 साल के कार्यकाल में मैंने ये लोगों के काम किए हैं। लोगों के कठिन सवालों का जवाब पूछना चाहिए। सीकर में जिस प्रकार से नौजवानों को खदेड़ा गया, कोई काला जुराब, काला रुमाल लेके आ नहीं सकता मीटिंग में, हर व्यक्ति की चेकिंग होती है, टोकन और काउंटर से ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं, तो 4 साल तक तो जनता से मिली नहीं और अब जनता उनसे मिलेगी नहीं चाहे सरकार कितनी ताकत लगाए। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।